स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान हूँ। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। क्या नहीं साहब, कल मैं बाहर काम को गया था, तरवी को डोर बटाने के लिए। मैंने रेटे में 5 बजे तकरीबन उनको बच्चन को घर में कबूतर के बारे में मेरे दोनों लड़कियों को, मेरे औरत को, मेरे बेटे को मिला कुछ मारी साहब। मैं समझा बुझा को गली वाले भी सब जने मिला समझा बुझा भेजे थे। मैं फिर वहाँ को 20-25 जने मिला को तलवारा हाकी लेकर आपको धमकी दे को मार को गए गए साहब। उनके आलिया यास्मीन कलाजी, गौशा, अभी सोहेल, बबलू सब जने उनके 25-30 जने लौकाते साहब। आग उनके पाँव आता पड़ को गली वाले मोहल्ले वाले भी गवाह है साहब। मोहल्ले वाले के सामने हमारे बच्चा को आंख पर जाकर उनको मारे साहब। मैं नेरेटे में वैसा भी फिर में उनको 5 थप्पड़ को भेजा था। भी मैं जब बाजार में जा कहता था 5:30 बजे मैं आया के साथ घर में बैठा था। भी उन्होंने 20-25 जने के लेकर को मार घर को अटैक करे साहब। और अचानक क्या मेंबर साहब जा रहे थे, मेंबर साहब का क्या उन्होंने संबंध नहीं साहब। गली में झगड़े हो रही करके उन्होंने छुड़ा नहीं आया, उनके आंख पर भी गए साहब। उन्होंने मेंबर साहब का क्या भी कुछ भी हाथ नहीं इसमें। और क्या बोलते हो, तुम्हें भारत में तुम्हारा पूरा खानदानी जला तुम चाका वाले को, मेरी बच्ची को अंक पर हमला करिए। बाद में मेरे को पूरे छाती को मारे साहब, मुझे पूरा गर्दन चिकली साहब, मेरे दोनों बेटा को मारे साहब, अंकी को वो तलवारा क्या लेको क्या साहब। उन्होंने क्या बोलते हैं धमकी, तू हाँ ये मामला सर। बाद में क्या मैं तुझे छोड़ मना पूरा खानदान जला तुम बोल रहे मेरा क्या भी। मैं हमारे खानदान को पूरा क्या भी उन्होंने आभार करिएगा तुमको क्या है। देखो उनकी मेरी जिम्मेदारी को बोलता हूँ, इसमें मेंबर साहब का कुछ हाथ नहीं साहब। इन्होंने क्या मेरा दादागिरी 2-3 बार सब मैं उनको 5 थप्पड़ को भेजा था। भेजे तो भी कल अचानक आप उन्होंने नमूना दादागिरी करे साहब। हमें क्या गली में रहना है क्या नहीं, मैं राब खाने वाला इंसान। गली में मेरा क्या किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी के साथ ये नहीं साहब। मेरे काम यहाँ मैं गली के बारे में मैं अभी सोच को क्या है कामा करूँ साहब। मैं किसी के साथ झगड़े करा नहीं। पूछो तुम्हें गली वाले से मुझे बचाए, वहाँ वाना गली वाले से बचाए। फिर भी उन्होंने मेंबर को पूरा उन्होंने वार करने गए। मेंबर साहब उन्होंने फिर भी उनको पैर को भंडा ले गए, उनका कुछ हाथ नहीं साहब। गली वाले वैसा ये करने में मार गली वाले अतजन मिला मारने लगे सब, धांधले होने लगे। बाद में क्या है मैं पॉलिटिशियन को पहला कंप्लेट कर रहा साहब। 5-10 क्या हाथ सब कंप्लेट करके उनको ये करा साहब। 1-1 तो क्या वो नंबर को कॉल करम के आती है तुम्हें डरो नको कर बोले। मैं बोला वो इजी गोड़ा घर पास पीछे बाजू 52 का लेने रहा इब्राहिम नगर है, आईडी फिल्टर वाटर पानी पास साहब हमारे घर है, इधर आओ साहब करते हुए जरा आने में देर हुई। पहला कंप्लीट मैं दिए से साहब। बाद में हमने मार जाकर उन्होंने गांधी चौक पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लीट करिए। पहला मैं मोबाइल से कंप्लीट दिए से साहब। 102 को कॉल करूँ साहब। पुलिस आई थी, हाँ आई थी साहब। बाद पूरा सरे के बाद आए साहब, उन्होंने आने में दे रहा साहब। कंप्लीट लेके क्या गांधी चौक पुलिस स्टेशन को बोले, हाँ मैं बोलता हूँ बोले साहब। बाद में क्या मैं पुलिस स्टेशन को रात में भी गया। मैं बजा को हंसी पॉलिटिशियन से तुम्हें दवाखाने जाओ इमीडिएटली, तुम्हारा बच्चा दाव को खून चक्कर आ रही थी। मेरी बेटी को मुझे छाती में दर्द हो रहा था। बाद में मेरी बेटी को यहाँ कान एक दर्द हो रहा है, मेरे को मारे साहब ना। हाँ क्या भी आगे तो गली में मैं दुनिया का अच्छा काम करूँ साहब, गली वाले मुझे बचे। अब क्या भी आगे तो जिम्मेदारी उनकी देखो साहब। तुम्हें मीडिया वाले मुझे सब जने मिला को महावाना मिला को मुझे इंसाफ दिलाना साहब। ये कबूतर के बारे में साहब, बच्चन के बारे में ये सामला बहुत दिन के बारे में दो पला भी आज साहब 5 थप्पड़ को भेजो पला मार लेके। तो मैं क्या भी नहीं बोले। आज मैंने कल नहीं रेटे में मेरे बच्चन को मेरे को हमला करे साहब। उन्होंने हाकिया तलवारा 20-25 जने में लगा को दादागिरी कर को मारे साहब। अभी तुम्हें कल दवाखाने में एडमिट हुए क्या डॉक्टर? डॉक्टर क्या बोले साहब, छाती को मार बैठे, छाती को ये हुए है, उसे गोलियां दी, इसके स्कैनर करे साहब। यहाँ तो पूरा आलम में छाती का, बाद में पैर का मारे से। यहाँ देखो ये देखो काला हुए देखो इटंगी भंडे पे फिके साहब, इसका भी ये करो साहब पूरा काला है साहब। ये देखो यहाँ बाद में यहाँ रान को मारे साहब, यहाँ रान को हाकीश है। इसमें मेंबर साहब का कुछ ये नहीं साहब। मेंबर साहब मिटाना करके आए थे साहब, उन्होंने जा रहे थे अचानक झगड़े हो रहे गली वाले बोले हम क्या मिटाना करके आए साहब। उन्होंने क्या उनका हाथ नहीं मेंबर को पूरा हाथ उठे साहब। उन्होंने क्या है सब जने मिला मुझे इंसाफ दिला दो साहब। इन्होंने दादागिरी बहुत करे साहब, हमें यहाँ तक सामान लगाए थे। गाड़ी में उनके खिलाफ कोई भी बाधा भी नहीं करते साहब, हमें भी नहीं करते। फिर भी गली वाले हमारे मुद्दे को मैंने बचाना है। अभी आप कंप्लीट किए क्या? कंप्लीट किया साहब। मैं पुलिस वगैरह कल रात में फोन लगा, तुम्हें MLC आए तुम्हारा तुम्हें फिर भी क्या है, देखो अब रात में नहीं रह सकते, वहाँ स्ट्राइक चले, तुम्हें कहाँ पे घर पे जाके यहाँ के ट्रीटमेंट लेको, तुम्हें घर पे जाके इंजेक्शन वो करे को सलन चढ़ा ले साहब, अभी निकाले तकलीफ होने लगी तो मेरे को निकाले साहब। फिर मेरी बेटी का क्या एंकी को मारे साहब, उनका एंकी नहीं दिख रही साहब, मेरी बेटी को कान को मारे साहब, लंडी चिकली है, मेरा औरत को मारे साहब, ऐसी जगह हाकी से सब जने मिला के मारे हैं। और क्या घर में मैं नहीं रहने की वजह से मारे साहब ना, वर्ता भी फिर भी उनको पवा आता पड़ को भेजो साहब में, इनका क्या है मेरी दुश्मनी थी बोलो ना, उनका लेना ना मेरा लेना ना देना नहीं लेना। इन गली में ऐसा कि दादागिरी कहते हैं साहब, गली के काम के बारे में अच्छा काम करूँ, गली में पूछो तो मेरा रिकॉर्ड है, गली के काम के बारे में होते जने ले ले जाओ, रोड के बारे में सब के बारे में फिर साहब, गली के मेरे साथ दुश्मनी नहीं है साहब। पुलिस स्टेशन में भी जाकर देखो, मेरा एक रिकॉर्ड लिखे, तुम्हारा क्या बोले बोलते साहब, इन्हों 20-25 जने मिला मुझे जान की धमकी दे रहे साहब ना। हमारे बीजापुर के एसपी साहब और सीपीआई से आप क्या गुजारिश करना चाहते? क्या नहीं गुजारिश साहब, देखो मैं नेरेटे में कामा को गए साहब, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रावने वाला, अचानक मेरे घर में मुझे क्या अटैक हुए करे, मेरे जूरू बच्चा को वो कह तो जिम्मेदारी क्या है इनकी से, यास्मीन कलाद गया लेकिन जिम्मेदारी उनके बच्चन की जिम्मेदारी है, हमारे के दुश्मन है कौन भी नहीं है साहब। तुम्हें गली में भी आग पूछो तुम्हें रिकॉर्ड भी करो, पुलिस स्टेशन में मेरा क्या भी नहीं है साहब, इन्हों तलवार हकियान ले लो को हमारे घर में अटैक करे साहब। इसके बारे में जिला अधिकारी एसपी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाओ तो साहब, मेरा क्या भी अचानक अटैक करे ना मेरे नेरेट में मुझे भी बंदे क्या भी करे तो जिम्मेदारी कलादगी यास्मीन है, उनके दोनों बच्चे है, उनको तीनों भवा, उनके बाकी के छोटा का नामा है साहब, वो मुझे याद नहीं है साहब, मुझे तकलीफ हो रही है, फिर भी क्या उनको क्या इंसाफ दिला दो साहब, मेरे एसपी साहब से ये गुजारिश करता हूँ साहब। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद इलकल साहब। हमारे अब्बा घर में कौन नहीं रहता, हमारे ऊपर हमला करे, हमारे घर में कौन भी नहीं थे, वो आंटी वो आज मेरे आंखी पर मारे, कबूतर रिवार में ये कर रहे थे, मैं समझा रही थी मुझे टंगी से मारे लो, मेरे घर में आप खून की लड़कन तो सब जना मारे, हमारे घर में कौन भी नहीं थे, लड़कन दाल था उनके लड़कन दाल और था सब जना मारे, आपकी तलवार लेके आए थे, उसके लड़कन दाल बोल के गए तुझे कहा दिखती माँ मार, तू बोले मेरी क्या गलती थी, चूस मारे मुझे आग पारू की पूरे लड़कन की पूरे मार तू बोल रहे हो सब्जे ना, मैं को क्या करीने क्या नहीं, अंकी मारे अंकी उसको इडंगी से मारे, मेरे में गर्दन पर मारे, शोल्डर पर मारे, आंख पर आ रहे थे वो सब्जे ने मेरे लड़कन दा, वो पूरे गए लड़कन दा, हमारे घर में कुछ नहीं, घर में कौन नहीं थे हमारे, वैसा आपको भी बोल रहे कि तुझे छोड़ता नहीं बोल रहे, जाते वक्त गले वाले छोड़ गए तो भैया आपको मार रहे, मेरे को घर में कौन भी नहीं थे हमारे। कई के बारे में हम कबूतर के बारे में ये कौन कबूतर कौन रहे थे क्या वो दूसरे आंख का कबूतर आग बैठे हमारे इस पे उन्होंने मारे, हमें देव का कबूतर घर पे घर सामने ठहर के गंदी गंदी गालियां दे रहे, वो यास्मीनू की बेटी वो सब जन मतलब गाली दे रहे, मेरी बहन को मारे, सबको मारे मारे, उनके लड़कन दाग मारे, गैर लड़कन दाग मारे, उन्हें चाकू लेकर थे, तलवार लेकर थे, 25-20 लड़कंदा भी थे, उनके औरता भी थे, सब जन आग मार रहे, बोल रहे हमारी क्या गलती नहीं गई, क्यों करें बोले गली वाले छुड़ा भी मार रहे हमने सबको, बोले सुन रहे नहीं क्या नहीं, आंगा पर चढ़ रही, उनका क्या इरादा था मुझे मालूम नहीं, वो लड़का था बहुत बदतमीजी वो कर रहे थे। और इसमें मेंबर साहब के ऊपर भी कल उन्होंने आरोप लगाएंगे, मेंबर साहब खड़े होकर उनको मार खिलाएंगे। नहीं उन्होंने क्या नहीं थे, उनको भी समझा रहे थे, हमना को भी गालियां दे रहे थे, ऐसा नहीं करना था बोल को, उनको भी उनके ऊपर भी आंख पर तुम्हें क्या ये कर दिए, तुम्हें हमना समझा रही क्या ऐसा बोल के उनके लड़कंदा उनके आंख पर चढ़ रहे थे सब जना, समझाए तो भी उन्होंने बैठे भी उनके आंख पर चढ़ को उनको गंदे गंदे गालियां वो दे रहे थे सब जना। तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए कि उनके उसमें गुंडे लाख उनके खून को मारे, नहीं हमारे कौन भी गुंडे नहीं थे, वो पूरे गली के लड़कंदा थे, उन्होंने छुड़ाया, उन्होंने तलवारा वो लेकर आए थे, उनका बेटा वो तलवार लेकर आया, उनका बड़ा बेटा मेरे को धमकी देखो गया तुझे आ दिखती तुझे वाँच मार दू, तुझे खलास कर दू, ऐसा वैसा बोले उनका बड़ा बेटा, उनका नन्हा बेटा बोले, उनकी बेटियां सब लोग बोले मेरे को धमकी दिए, बोलते तुझे आ दिखती वहां पे मार तू बोले। अभी आप क्या पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? मेरे को इंसाफ होना, मैं मेरी क्या गलती नहीं, मेरे फैमिली वाले की भी क्या गलती नहीं, घर में कौन भी नहीं थे, कौन भी आदमी नहीं थी क्या नहीं थे, ऐसे घर में घुस के मारे, गैर लड़कंदा हमारे घर के अंदर है, आपको आंगा पर चढ़ने का ये सब करे, ये कागा इंसाफ है, मेरे को उनके से इंसाफ होना। मुझे ये पहली बार हुआ, इससे पहले नहीं, इससे पहले भी उन्होंने आ रहे थे बट हमें बताऊँ को ये नहीं करे, इग्नोर करे, अभी हर घर में कौन नहीं रह सकते, को आए वैसा एकदम अभी आपको कहाँ पे मार लगा है? अंकी पर उनके वो यास्मीन में मारे मुझे अंकी पर, ऐसे इटांगे लेके भिर गया, मेरी अंकी पूरी डैमेज हुई थी, पूरा खून आ रहा था मेरे को। शोल्डर पर मारे, उनकी बेटी वो मारी, उनकी बेटी गंदे गंदे गालियां दे रही थी, उनकी बहू ये करी, उनकी बहू भी कान को मारी, पूरा ये करे, लकड़ी लेके सर पर भाई शोल्डर पर डाले। उनके बेटा ना उनके आदमी सब जना आ रहे थे तलवार लेको, बोले कि तुझे खलासी कर दूं मैं, बोले तुम ना सब जरा खत्म कर, तू नहीं छोड़ता, तू जा दिखती वहां मार, तू ये होने के बाद में भी मार तू, बोले क्या नहीं सोचा इन्होंने हमारे ऊपर आंख पर। इससे पहले भी इन्होंने हमारे ऊपर बहुत बार बोले तेरे भाई को भी जिंदा नहीं छोड़ता, किसी नहीं छोड़ता, तू जा दिखती तुझे माच मार तू, बोले मेरे को सेफ्टी ना हो, किसी हमारे किसके साथ दुश्मनी नहीं, क्या नहीं, उन्होंने चाहे खुद होगा हमारे साथ। हम ना गली वाले छुड़ा को अंदर से कोंडे डाले को गए थे, मेम्बर है बोले मैं उन्होंने चाक बाहर निकाले, बीबी आको सबके सामने गाले दे रही गंदे गंदे, हम ना आंगा पर चढ़ने का ये करने का कर रहे। अभी आप क्या पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या मेरे को इंसाफ होना हो किसी ऐसा, अगर मुझे वह मेरे फैमिली वालों कुछ भी हुआ तो हमारे किसके साथ दुश्मनी नहीं, क्या नहीं, इल्जाम उनके चुपर सीधा, हमारे किसके साथ क्या भी नहीं है दुश्मनी। आपको डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले कि अंकी पूरा फ्रैक्चर हुई, पूरे इधर के नसा ये हुई, बोले कि स्कैनिंग करा लो बोल के। एडमिट क्यों नहीं है आपका? नहीं वो कल ये हुआ था तो स्ट्राइक की वजह से नहीं हुए, और टैबलेट्स वगैरह दिए थे, और भी बोले कि मंडे दिन आओ बोले, फिर बाद में स्कैनिंग वो कराओ बोले, इधर नसा फ्रैक्चर हुई मेरे, कल पूरी अंकी डैमेज हुई थी मेरी। अभी वो अंकी दिख रही है? नहीं दिख रही, बराबर नहीं दिख रहा मेरे को, उधर से पूरा खून आ रहा है, इधर पूरा रेड वे, पूरा इधर पूरा हरा हुआ था। वैसे मारे उनके घर के लड़कंदा गैर लड़कंदा सब जने आए, पूरा इधर पे मारे, हाथ पर मारे, शोल्डर पर मारे। वो लड़कंदा मेरे को धमकी दे रहे वो बार बार, उनका बड़ा बेटा छोटा बेटा और दूसरे लड़कंदा भी उनके रिलेटिव के ऐसे घूर घूर के देख रहे, बोले कि तुझे जा दिखते वहां पे मार तू, हॉस्पिटल गए तो भी ऐसे घूर घूर के देख रहे, ऐसे पीछे देख तू कहा दिखती तुझे ऐसे मार तू बोल के पीछे लगे। आपका नाम? सैलकल। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.